हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी कुछ स्पेशल जो कि सभी को बहुत पसंद आने वाली है। आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। आज मैं एक स्पेशल पूरी बनाने वाली हूँ। पूरी बेसिकली राउंड शेप में बनाते हैं, पर आज मैं बनाऊँगी हार्ट शेप में। मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है। आपको मैदा पसंद नहीं है तो आप मैदे को स्किप करें, इसके बदले गेहूं के आटा यूज करें। मैदे के ऊपर 1/2 टीस्पून नमक डालना है। आप आपके स्वाद के अनुसार नमक डालें, इससे पूरी का टेस्ट अच्छा होता है। 10 से 15 ml रिफाइंड तेल डालना है। आपको तेल पसंद नहीं है तो आप इसके बदले घी यूज करें। इन सारी चीज़ों को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। अब हल्का गर्म पानी डाल के मैदे को गूंदना है। गूंदा हुआ आटा थोड़ा कड़क रखना है पूरी के लिए, जबकि रोटी के लिए थोड़ा सॉफ्ट रखना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें ताकि आटा ज़्यादा गीला ना हो। मैदे को अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब मैदे के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाना है। तेल को मैदे में अच्छी तरह से लगाना है। तो फिर से मैं 1 मिनट के लिए आटे को गूंद लिया है। गूंदा हुआ आटे को सेट होने 1/2 घंटा छोड़ देना है। मैदे की डो से मैंने छोटे छोटे बॉल बना लिया है। अब एक एक करके सारे पूरी बना लेना है। एक छोटा सा बॉल लिया है। बॉल को नॉर्मल पूरी जैसे बनाते हैं ठीक उसी तरह से बेलना है। ये आप बड़ा छोटा किसी भी साइज का बना सकते हैं। हल्के हाथों से प्रेस करके पूरी को शेप देना है। एक चाकू की मदद से पूरी को शेप देना है। हार्ट शेप में काटना है। आप इसमें कटर मत यूज करें, कटर यूज करने से पूरी फूलती नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कैसे शेप दे रही हूँ। हार्ट शेप सभी को आता है, ये बहुत ही इजी है शेप देना। ये वाली पूरी बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है। आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। एक साइड कट कर लिया है, अब दूसरी साइड कट कर लेना है। शेप देने के बाद बाकी का हिस्सा निकाल लेना है। तो ये बाकी का हिस्सा मैं निकाल लूँगी दूसरी पूरी बनाने के लिए। ये देखिए हार्ट कितनी आसानी से बन गया है। हार्ट बनने के बाद उसके ऊपर बेलन चलाना है। डायरेक्ट तेल में ना छोड़े, ऐसे करने से पूरी नहीं फूलने वाली है। तो आप थोड़ा पूरी के ऊपर बेलन चला दें। मैं फिर से और एक हार्ट से पूरी बना के दिखा रही हूँ।
मैंने सारे पूरी बना लिया है, तो अभी एक एक करके फ्राई कर लेना है। तो तेल गरम हो गया है, पूरी को धीरे से तेल में छोड़ना है ताकि गरम तेल आपके ऊपर ना गिरे। एक साइड पकने के बाद दूसरी साइड पलट देना है और ऐसे करके सारे पूरी को सेक लेना है। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि उनकी पूरी फूल नहीं रही है और पूरी हार्ड हो जाती है, तो पूरी को आप मीडियम या फिर हाई फ्लेम में सेके, लो फ्लेम में ना सेके, इसी तरह से बाकी पूरियों को सेक लेना है। गर्मा गर्म पूरी बनके तैयार हो गई है। आप आलू दम, आलू मटर की सब्जी या फिर पनीर की सब्जी के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगने वाली है। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।